सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उनकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने ही बड़े प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के एक दो साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। उसकी दो बहनें और हुई। थोड़ी ही दिनों बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसके सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रूप भी बड़े होने के साथ निखरता गया। वो उस नगर की सबसे सुंदर युवती बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण उसका नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको फटे पुराने वस्त्र पहनने को दिए जाते ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा दिया जाता था। वो अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे। एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि वो अपने पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे ही शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन के भोज का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला, तब वो दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन का भोज है, आप सब आइएगा, खासकर युवतियों को आना है। राजकुमार उन्हीं में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। सिंड्रेला ने भी ये बात सुन ली। वो काम कर रही थी। वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी जन्मदिन के भोज में जाना है। लेकिन ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई राजकुमार के साथ विवाह करे, लेकिन उसकी बेटियाँ तो सुंदर थी ही नहीं। वो सिंड्रेला को नहीं भेजना चाहती थी। उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनाने के लिए दे दी, ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ भी जिंदा होती तो आज वो भी सुंदर बनकर उस भोज में जा पाती। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत रोशनी हुई और उस धुंध के बीच एक परी प्रकट हुई। परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई और बहुत रोने लगी। परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन के भोज में जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें तैयार करूँगी। ये सुनकर सिंड्रेला ने कहा, परंतु मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊंगी, वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। परी ने झट से अपने जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर तो वो थी ही, अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, जूतियाँ, सुनहरे बाल उसको सबसे अलग बना रहे थे। लेकिन परी ने उसे एक बात समझाई, मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तुम उससे पहले ही वापस आ जाना। सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कद्दूओं से एक शाही बोगी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की ओर चल दी। वो जलसे में पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही राजमहल में प्रवेश लिया, सबकी नजर उस पर ही टिक गई। बाहर से आए हुए मेहमान
और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एक टक देखे जा रहे थे। उसके सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि अब तो वो उसी से विवाह करेगा। वो सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला मान गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। 12 बजने में कुछ ही पल शेष थे। अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हड़बड़ी में सिंड्रेला की एक जूती वही महल में छूट गई। सिंड्रेला तो जा चुकी थी। राजकुमार के हाथ उसका केवल एक सैंडल ही रह गया। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम भी ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार स्वयं जाकर नगर में उस जूती वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वो जूती पहनाई, लेकिन किसी को भी वो जूती नहीं हुई। किसी को वो जूती छोटी पड़ रही थी और किसी के लिए बड़ी। फिर राजकुमार अंत में निराश होकर नगर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उस जूती को पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस जूती को बहुत कोशिशों के बाद भी पहन नहीं सका। तब राजकुमार की नज़र पास में खड़ी एक सीधी साधी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया, उससे भी आग्रह किया कि वो इस जूती को पहने। सिंड्रेला की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा, ये इसकी थोड़ी ही है, अपने आप कोशिश करती है। सिंड्रेला जूती के पास गई और जूती पहनी। उसको जूती आ गई। तभी वो भागकर अंदर गई और दोनों जूतियों को पहन लाई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ महल ले गया। दोनों की शादी हुई और वो एक साथ प्रेम से रहने लगे। और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ये बस हक्के बक्के होकर देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सिंड्रेला की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समय पहले की बात है, परीलोक में एक रानी परी राज किया करती थी। रानी परी बहुत अच्छे से अपना शासन चला रही थी। सभी परियां बहुत हंसी खुशी से उस परीलोक में रह रही थी। रानी परी का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बेटा था। उसका नाम वैभव था। वैभव बचपन में बहुत समझदार और एक होनहार बालक था। बचपन से ही वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और हर कला में निपुण था। राजकुमार कभी भी हार नहीं मानते थे। रानी परी अपने बेटे वैभव को वेदों का ज्ञान भी देती थी। देखो बेटा, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें सदैव दूसरों की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंसानियत होती है। इंसान को हमेशा दया, करुणा और प्रेम से भरा होना चाहिए। राजकुमार अपनी माँ की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे और अपने जीवन में उसका पालन भी किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजकुमार अब युवा बन चुके थे और अब उन्होंने अपनी सभी शिक्षा और कला का पूरा अध्ययन ग्रहण कर लिया था। राजकुमार ने निशाना लगाना, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना सब अच्छे से सीख लिया था। राजकुमार दिखने में बहुत सुंदर थे और सभी उनकी तारीफ किया करते थे और उनका हौसला बढ़ाया करते थे। देखो, हमें लगता है राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब हमें उन्हें अपने शासन पर बिठा देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं पिताजी। वैभव अब बड़ा हो गया है, अब हमें उसके ऊपर शासन छोड़ देना चाहिए। पिताजी, तो देर किस बात की? हम कल ही अपने परिलोक में ये घोषणा करवा देंगे कि हम अपने पुत्र वैभव को अपना शासन दे रहे हैं। ठीक कह रही हो बेटी तुम, और मुझे लगता है कि अब हमें वैभव की शादी भी कर देनी चाहिए। अगले दिन राजा ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 महीने बाद हम अपने पुत्र वैभव को शासन प्रदान करेंगे और अब वो राजकुमार वैभव की जगह राजा वैभव कहलाएंगे। और हाँ, एक और बात, वैभव का राजतिलक होने से पहले उनका विवाह होना है। पूरे राज्य में उनके विवाह की शहनाइयां गूंज उठी। अगले ही दिन से राजकुमार वैभव के लिए सुंदर सुंदर परियों के रिश्ते आने लगे। इतने सारे रिश्ते आता देख
रानी परी बहुत परेशान हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे अपनी बहू बनाए। आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, आप सभी परियों की परीक्षा लीजिए, जो भी परी आपकी परीक्षा में खड़े उतरे उसे अपनी बहू बना लीजिएगा। वैभव बेटा, तुम्हारा सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद रानी परी अपनी दासी परी को बुलाती है। सुनो दासी, सभी परियों को आमंत्रित कीजिए, हम सभी की परीक्षा लेंगे। ठीक है रानी परी जी, जैसा आपको ठीक लगे। दासी पूरे परिलोक में ये घोषणा करवा देती है कि सभी परियां परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। और अगले ही दिन परिलोक की युवा परियां राजमहल में आती है। सभी परियों ने रानी परी को नमस्कार किया। आप लोगों का हमारे इस महल में स्वागत है, अब सभी लोग हमारे कक्ष में प्रस्थान कीजिए, हम कुछ ही देर में आपसे मिलने आते हैं। सभी परियां कक्ष की ओर जाने लगती है। क्या किसी को पता है रानी परी क्या परीक्षा लेंगी? क्या पता वो हमसे खाना बनवाए या हमसे भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे। वो हमसे शास्त्र कलाई भी पूछ सकती है। सभी परियां आपस में बातें करती करती पक्ष की ओर जा रही होती है। सभी परियों में एक परी बहुत शांत होती है, जो किसी से कुछ नहीं कहती। वो परी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी परियां राजमहल पहुंच जाती है। महल में पहुंचने के बाद सभी परियां आराम करने लगती है। थोड़ी ही देर में उनके कक्ष में एक दासी आती है। रानी परी ने अपना भेष बदलकर दासी का रूप ले लिया था और वो सभी परियों की परीक्षा ले रही थी। हम आप सभी परियों को अपने इस महल में स्वागत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी परियां हमारे युवराज के खुशी पर यहां आई हैं। महारानी थोड़ी ही देर में आपकी परीक्षा लेंगी, तब तक आप लोग यहां पर विश्राम कीजिए, मैं आप सभी के खाने का इंतजाम करती हूं। इसके बाद वहां से दासी चली जाती है। ये सब रानी परी देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी परियां आपस में बातें करने लगती है। बातें करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है। रानी परी अभी तक नहीं आई है, लगता है वो बहुत बिजी है, क्या पता कुछ देर में आ जाए। सभी परियां आपस में ये सारी बातें कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक परी सबसे अलग थी, जो बाहर जा रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। इंतजार करते करते अब शाम हो जाती है। ओहो, शाम हो गई है, क्या हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है, शांत हो जाओ, क्या पता रानी परी हमारी यही परीक्षा ले रही हो। थोड़ी ही देर में रानी परी दासी का भेष बनाकर जूस लेकर परियों के पास आ जाती है। अचानक से रानी परी का पैर फिसल जाता है और वो जूस सभी परियों के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन सभी परियों की ड्रेस खराब हो जाती है। अरे अंधी हो क्या, इतने बड़े महल में दासी होकर तुम्हें काम करना भी नहीं आता है? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तूने, अब तुम उससे बचने वाली नहीं है। सारी परियां रानी परी बनी दासी को बहुत खड़ी खोटी सुना रही थी। तभी उनके बीच में वही परी आ जाती है। रुक जाओ परियों, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने ये जूस तुम्हारे ऊपर जानबूझकर नहीं गिराया है, ये गलती से गिर गया है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी ड्रेस सस्ती है और मेरी ड्रेस महंगी है, तुम इसलिए बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मेरी कितनी महंगी ड्रेस है, जिस दासी ने खराब कर दी। अब मैं रानी परी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैं इस दासी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, जाने रानी परी ने इसे क्या सोच समझ कर रखा था। सही कह रही हो तुम, जैसी रानी परी वैसी दासी। अरे तुम सभी इतनी छोटी सी बात को लेकर रानी परी को क्यों बीच में ला रही हो और उनके बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? तुम चुप हो जाओ, इतनी देर हो गई है और हमें यहाँ बैठा रखा है सुबह से, और सुबह से शाम होने को आई है, ये तो हमारा अपमान हुआ, ऐसी कौन सी परीक्षा होती है। ये सारी बातें अब रानी परी के बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। तभी रानी परी बोल पड़ती है, वही परीक्षा जिसमें तुम फेल हो गई हो, मैं तुम सभी परियों की परीक्षा ले रही थी। मैं कोई दासी नहीं हूँ, मैं युवराज की माँ हूँ रानी परी। मैं तुम सभी परियों की परीक्षा ले रही थी और अब तुम सब मेरे परीक्षा में फेल हो गई हो, और ये परीक्षा राजकुमारी इंदिरा ने पास की है। मैं मानती हूँ तुम सभी परियां बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी चाहिए और संस्कार भी, जो हमारे इस राज्य पर शासन कर सके और युवराज का जीवन भर साथ दे सके। मैंने अपनी बहू चुन ली है, राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरी बहू। आप सभी परियां अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। धन्यवाद। रानी परी की ये बातें सुनकर सभी परियां का मुंह उतर जाता है
और वो मुंह लटकाए अपने घर वापस जाने लगती है। यहाँ पर रानी परी ने अपनी होने वाली बहू इंदिरा को सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ वापस ढेर सारे तोहफे भेजे। कुछ ही महीनों बाद राजकुमार वैभव का विवाह राजकुमारी इंदिरा से हो जाता है और विवाह के कुछ महीनों बाद युवराज को राजा बना दिया जाता है और अब इंदिरा परी वहाँ के राज्य पर शासन करने लगती है। राजा वैभव और रानी इंदिरा को पाकर पूरा परीलोक बहुत खुश था और अब सभी लोग हंसी खुशी से परीलोक में रह रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।